What's up guys and this is Ayush and welcome to my all new vlog. So guys, आज first day out, दुर्गा पूजा start हो चुकी है and आज पहला दिन है. अभी हम लोग चल रहे नींबू तला एंड यहाँ पर इस बार का थीम जो है वो की है रेड फोर्ट एंड लिटरली बहुत सुंदर हुआ है. सो अभी निकले हैं घर से एंड गाइज अभी टाइम हो रहा है 3:55. सो अभी डायरेक्टली चल रहे हम लोग एंड अभी भीड़ काफ़ी कम है, थोड़ा सा पहले निकले हैं. सो भीड़ काफ़ी कम है एंड अच्छा है, खुला खुला में देखेंगे एंड आपको पूरा अच्छा से नींबू तला का जो पंडाल है उसका व्यू दिखाऊंगा आपको एंड उसका मतलब वो कितना अच्छा से बनाया है वो भी दिखाएंगे. सो विदाउट एनी वेस्टिंग द टाइम लेट्स गो. माँ दुर्गा रागमने उल्लासे आलिंगने महामारी मुझे जाबे आज ठाकुर पीठे पड़ल काठी पूजो होको जमजमाटी नूतन साजे सेजेछे आकाश गाइस. बस हम लोग को इसी रूट से जाना है आगे. ये बेसिकली एक शॉर्टकट है नींबू तला पंडाल देखने का जो मेरे को पता था प्राची सिनेमा हॉल से जस्ट थोड़ा सा कॉर्नर में. सो अभी हम लोग यही रूट से जा रहे हैं एंड यहाँ पर अभी हल्का हल्का भीड़ भी स्टार्ट हो चुका है एंड बहुत जन आए हैं. अभी 4 बजे है बट पंडाल हॉपिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन कोलकाता. सो अभी चलते हैं एंड आप लोगों को दिखाते हैं कि यहाँ का क्राउड कैसा है. लिटरली बहुत ज़्यादा क्राउड है एंड 4 बजे बहुत ज़्यादा भीड़ होना स्टार्ट हो चुका है. सो आप लोग देख सकते हो अगर 4 बजे इतना भीड़ है तो 6 या 6:37 में क्या होगा. तो अच्छा हुआ हम लोग पहले निकले. तो चलते हैं आप लोगों को दिखाते हैं. बस हम लोग पहुँचने वाले हैं. अब तो बस गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं. अब हम लोग यही से रूट से अंदर जा रहे हैं एंड यहां का लाइटिंग बहुत सुंदर किया है बट अनफॉर्चुनेटली देख नहीं पाएंगे क्योंकि अभी थोड़ा पहले आ गए हम लोग. शाम का टाइम है हम लोग आ चुके हैं एंड यहां पर बहुत ज़्यादा भीड़ है. अभी बहुत ज़्यादा भीड़ है. सो पहले चलते हैं आगे एंड पोजीशन लेते हैं एंड उसके बाद आप लोग को रेड फोर्ट का ब्लॉग दिखाते हैं गाइस. एक मिनट. सो गाइस ये है रेड फोर्ट जो कि है नींबू तला का पंडाल एंड ये बहुत अच्छा लगा है. सोचो ये इतना बड़ा बनाया है, ये बहुत सुंदर लग रहा है एंड अभी जस्ट 4:10 हो रहा है एंड यहाँ पर इतना भीड़ स्टार्ट हो चुका है. अच्छा हुआ हम लोग पहले आ गए. तो अब गाइस अंदर चलते हैं एंड दुर्गा माँ दिखाते हैं आप लोग को. सो अंदर जाने का रूट आगे से है एंड ये वाला एग्जिट पॉइंट है. सो ये वाला एग्जिट पॉइंट है, यहाँ से हम लोग रिटर्न आना होगा एंड वहाँ से अंदर जाना है, वहाँ से अंदर जाना है. सो गाइस हम लोग को इस रूट से अंदर जाना है. बस अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है एंड यहाँ से घूम के अंदर जाना होगा एंड अभी यहाँ पर काफ़ी भीड़ हो चुकी है एंड हम लोग पीछे में, एकदम पीछे में. सो अब आगे चलते हैं. सो ये काफ़ी सुंदर लग रहा है गाइस, रेड फोर्ट एंड यहाँ पर काफ़ी भीड़ है. सो चलते हैं. तो गाइस हम लोग अंदर आ चुके हैं एंड अभी अब एंट्री लेंगे रेड फोर्ट के अंदर. सो चलते हैं एंड देखते हैं अंदर का लाइटिंग्स कैसा है. वैसे अभी लाइटिंग समझ में नहीं आएगा क्योंकि अभी जस्ट रात हुआ नहीं है. सो ये लोग लाइट अभी ऑन किया नहीं है. सो चलते हैं अंदर एंड गाइस हम लोग आ चुके हैं रेड फोर्ट के अंदर एंड ये है नींबू तला का पंडाल
তুর কর আগো মনে উল্লাস আলিঙ্গনে মহামারি মুছে যাবে ঢাকের পিঠে পড়লো কাঠি পুজো হোক জমজমাটি নতুন সাজে সেজেছে আকাশ সাজালো বরণ ডালা আকাশে মেঘের ভেলা চলছে ধুনু So guys, Red Fort दिखा दिया बाहर से भी और अंदर से भी एंड अंदर का लाइटिंग बहुत सुंदर है एंड ये जस्ट ना ये जो थीम है ना आप तो जानते होंगे रेड फोर्ट क्या है सो रेड फोर्ट लिटरली बहुत सुंदर सो यहाँ पर ये है ना यहाँ पर हर साल एक बहुत यूनिक चीज पिछला बार भी कुछ ऐसा बना था एंड उसके प्रीवियस ईयर UFO बनी थी सो वो भी बहुत अच्छी लग रही थी सो अभी हम लोग निकल रहे एग्जिट पॉइंट से एंड ये आ गए हम लोग बाहर पीछे ही है हमारे रेड फोर्ट तो गाइस हम लोग बाहर निकल चुके हैं एंड यहाँ पर अभी काफ़ी भीड़ हो चुकी है सोचो 4 बजे इतना भीड़ हो गया है एंड 5:30-6 बजे का तो क्या होगा यहाँ पर सो गाइस अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं एंड यहाँ से निकलते निकलते थोड़ा लेट हो गया 5 बज चुका है बहुत भीड़ था अंदर एंड अब हम लोग चल रहे हैं आगे एंड गाइस एक बात बता दूं अभी का ब्लॉग जो है वो मैं एंड नहीं करूंगा मैं दूसरा पंडाल का वीडियो जब मैं जाऊंगा तो उसका वीडियोस अपलोड होगा तो आप लोग बोल सकते हो कि दुर्गा पूजा का ओनली वन एंड वन ब्लॉग है सो गाइस अब चलते हैं बाहर एंड मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में एंड लाल किला रेड फोर्ट आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना सो तब तक के लिए बाय टेक केयर लव यू ऑल